अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हमने जो करना है उसकी रिव्यू क्वेश्चंस करनी है। ओपन योर बुक्स पेज 29, मल्टीपल चॉइस। द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डी वाला किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ठीक है, इसको आपने एक टिक करना है। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फिल्टरिंग द ब्लड, किडनी आ गया इस पे ऑप्शन। द ट्यूब बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज द यूरेटर। ब्लड बैलेंस बॉडी बैलेंस ऑफ वाटर सॉल्ट्स टेम्परेचर एंड ग्लूकोज सिस्टम एज होम्योस्टेसिस। सी पी सर्कल आपने करना है इसको। विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द पाथ टेकन बाय यूरिन आफ्टर इट लीव द किडनी। तो इसमें आ जाएगा यूरेटर, ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा आ जाएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर। विच इज़ द फंक्शन ऑफ द यूरेटर, यूरेटर का काम क्या है। टू कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, बी पे ऑप्शन करना है। व्हाट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड बाय किडनी, यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट्स, ए वाला ऑप्शन आपने इस पे लगाना है। द टू मेन फंक्शन ऑफ स्वीट्स आर टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड टू कूल द बॉडी, इस पे डी पे निशान आपने लगाना है। विच वुड नॉट बी प्रेजेंट इन द फिल्टरेड एंटर द वोमैन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन, इसमें आपका ब्लड सेल्स आ जाएगा। सी पे सर्कल करना है। ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस द वेस्ट मटीरियल मूव फ्रॉम, इसमें आ जाएगा पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स टू द डायलिसिस फ्लूइड है। इस ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस है। व्हाट आर द मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व इन द होम्योस्टेसिस इन द ह्यूमन बॉडी, स्टेट द रोल्स ऑफ ईच ऑर्गन, आपने बताना है। थ्री जो हैं ऑर्गन्स, तो इसमें जो आपका 10th क्लास होम्योस्टेसिस इन मैन के अंदर था, आपने होम्योस्टेसिस, ठीक है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन से इसका आ जाएगा। लंग्स, स्किन्स एंड किडनी, ये जो है पूरे का पूरा आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने पूरे का पूरा, क्योंकि उसने बताया कि इसका फंक्शन जो है वो भी क्या है। इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। ये हमारी डायग्राम जो है फंक्शन ऑफ किडनी या नेफ्रॉन, ठीक है। और ये पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे जो किया हुआ है, ये यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन टेक प्लेस हो रहा है। सेकंड पे री अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज है, एंड देन री अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर है। और उसके बाद जो है ये जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है, ये ब्लड वेसल्स हैं एंड देन यूरिन मूव टू यूरेटर, ठीक है। ये वाला इसको आपने इस तरीके से आपने लेबल करना है, ठीक है। इसके बाद जो है अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन इन द किडनी। तो आपने सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन वाला सिर्फ टॉपिक वहाँ से लिखना है, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। सेकंड पार्ट जो था फंक्शन ऑफ किडनी का, उसको करना है। हाउ डू प्लांट एक्सट्रीटेड द वाटर सॉल्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी, द प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स वाला टॉपिक आ जाएगा इसके अंदर। व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, आपने बताना फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर आपने नेफ्रॉन, ठीक है। और ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से फंक्शन यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आ जाएगा फंक्शन ऑफ किडनी जो है नेफ्रॉन, उसकी सारी स्ट्रक्चर आपने बतानी है एंड साथ में आपने इसकी पूरी लेबल डायग्राम जो है वो आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आ गया, व्हाट स्टेप आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनी। तो स्टेप्स जो है जो कि फंक्शन ऑफ किडनी वाला, तो आपने इसके अंदर आपने अपना ये सारे का फंक्शन ऑफ किडनी का है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन, ये पूरे का पूरा यहाँ तक आपका आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका जो है इसके बाद जो है अलॉन्ग विद एक्सक्रीशन किडनी आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन, कमेंट्स ऑन दिस आपने स्टेटमेंट। तो फंक्शन ऑफ किडनी ऐसे ऑस्मो रेगुलेशन, यहाँ से आपने लिखना ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, यहाँ से स्टार्ट करना है और लास्ट तक आपने करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो है ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह ताला अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स इसके अंदर हैं, कोई इस तरह की आपको समझ नहीं आती, आप प्लीज़ पूछें मुझसे। कल इंशाल्लाह ताला जो है हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल करेंगे। स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।